NBN National Breaking News, Sachchai Ka Sathi. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। और अभी मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगी, पहले इस वीडियो को पूरी देखें, फिर आप डिसाइड करें कि यह चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आप किसी अपने स्पेशल भगवान की प्रार्थना व पूज करने की विधि और उसकी कहानियां जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं तपस्वी ज्योतिषियों से जानकारी प्राप्त करके वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। इस बार नवरात्रि 21 सितंबर को गुरुवार से शुरू हो रही है। कहा जाता है कि जब भी नवरात्रि की शुरुआत इस दिन से होती है तो माता डोली या पालकी में सवार होकर आती है। ऐसा माना जाता है कि घट स्थापना के दिन के मुताबिक माँ की सवारियाँ बदल जाती है, इसलिए हर साल माता का वाहन अलग अलग होता है। इस बार माता का आगमन डोली पर हो रहा है, इसका फलाफल अच्छा नहीं माना जा रहा है। माँ का वाहन सिंह है और जब माँ सिंह पर सवार होकर आती हैं, तो खुशहाली और समृद्धि लाती हैं। डोली में आना यह बताता है कि इस साल महामारी और रोगों में वृद्धि हो सकती है। इन बातों का रखें ध्यान। नवरात्रि में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नींबू नहीं काटने चाहिए और बाल नहीं कटवाने चाहिए। हालांकि इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप इस दौरान कलश की स्थापना की है या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाएं। विष्णु पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के 9 दिनों में दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए, इससे व्रत का फल नहीं मिलता। शारदा नवरात्रि संधि पूजा। नवरात्रि पूजा के दौरान संधि पूजा का विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि की समाप्त और नवमी तिथि की शुरू आज के संधिकाल में यह पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस समय राक्षसों चंड और मुंड को मारने के लिए देवी चामुंडा प्रकट हुई थी। अगर आपने इनमें से कोई गलती कर दी है तो हम अगली वीडियो में इसका समाधान लेके आएंगे। और अगर आप सच्चे हिंदू हैं, दो तीन काम जरूर करें। पहला काम हमारे लिए, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। दूसरा काम स्वयं के लिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए, बिल्कुल फ्री है। ऐसा करने से आपको महत्वपूर्ण खबरों, महत्वपूर्ण जानकारी और सरकारी व प्राइवेट जॉब की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और तीसरा काम अपने दोस्तों, भाइयों और रिश्तेदारों के लिए, आप यह वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और भाइयों को फेसबुक, व्हाट्सएप और मैसेज के द्वारा वीडियो के नीचे शेयरिंग के बटन से शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हो सकता है वह भी आपको कामयाब व शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की प्रार्थना करते हो और एक सच्चे हिंदू हो। यही मतलब है कि वह खुद के लिए तो काम करें लेकिन दूसरों के भी काम आए, इसलिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और अपना चैनल NBN सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अपना चैनल NBN सब्सक्राइब करने के लिए जब आप स्क्रीन पर दिखाई गए NBN के सकल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब होगा, पर घंटी जरूर दबाइए। और दिखाई गई अन्य ये तीन वीडियो में कोई भी देखे, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी और आपके काम की है। प्लीज क्लिक और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।